और बहन क्या हो रहा है दीदी? और सब ठीक है भैया। घर में भोजन बना दीदी? अभी भोजन नहीं बना भैया, आपको इंतजार कर रहे हैं दीदी। क्या भैया, मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ दीदी। चलिए मैं भैया से मुलाकात करूँगी। बड़े भैया के चरणों में शीला बहन का प्रणाम। खुश रहो गुड़िया। अरे शीला, कब से तेरा भैया तेरा इंतजार कर रहा है और तू इतनी लेट आ रही है। लेकिन भैया, क्या बात है बहन? मेरी बात सुनिए भैया। अरे क्यों बैठे गमगीन हो भैया, क्या है भैया भैया। भैया आज आखिर बात क्या है भैया, जो आपके आंख से आंसू भरे हैं भैया, क्या मुझे बताओगे भैया? शीला, तुम मुझसे पूछ रहे कि भैया आप रोते हुए क्यों बैठे हैं? हाँ मेरी गुड़िया, ये तेरा भैया तुझसे नहीं बताएगा, फिर किससे बताएगा? सुनो मेरी बात। बोलिए भैया, क्या बात है? क्या बतलाऊं बहना मेरी, अपने दिल की बतलाऊं बहना मेरी, अपने दिल की बात, और क्या सोच के नैन मेरे किए बहन बरसा। Thank you.
से रचाओ ऐसा नहीं है। भैया मैं अपने हालात पे नहीं रो रहा हूँ, अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि तेरी शादी की चिंता मुझे लगी है। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तेरे हाथ पीले कर दूं बहन। लेकिन भैया मेरी बात सुनिए भैया, मेरी शादी के दिल में भिखारी ना करो, पहले अपनी तुम शादी रचा लीजिए। एक अच्छी अभी बताइए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे भैया तो आप देखो रोटी बना के कौन देगा भैया। इसलिए भैया मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तुम अपनी शादी कर लो, तब हमारी शादी बाद में करना भैया। बात सीला बहन मुझसे तू कर रही, जब मैं चाहूंगा घर में दुल्हन लाऊंगा, पहले शादी मैं तेरी बच्चा की बहन। बहन घर में अच्छी दुल्हन पहना पहनाऊंगा, पहले शादी सीला बहन। तेरा कहना भी ठीक है, तेरा सोचना भी ठीक है, लेकिन दुनिया में तो हम घूम रहे हैं, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि वाह केशव तू पहले अपनी शादी कर लिया और तेरे घर में तेरी सयानी बहन बैठी है, पहले उसकी शादी करना चाहिए। दुनिया वालों का ताना आना सुना बहन, और क्या कहना चाहते हैं भैया? मेला कमेटी से कहना चाहते हैं कि भैया ओ कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। वो तो है, वही तो मजबूरी है। लेकिन भैया आप चिंता मत करो भैया, कुछ पैसा मैं रखी हूँ भैया। क्या? कुछ पैसा मैं रखी हूँ फिर, और कुछ पैसा हम तो मेहनत मजदूरी करके कमा के सबसे पहले एक अच्छा सा दवा खाना खोल लो भैया। उसी दवा खाने से अगर आप पैसा कमाएंगे तब उसी पैसे से मेरी शादी हो जाएगी भैया। अरे वाह प्यारी गुड़िया वाह, जो भी पैसा मैं तुझे देता था उसमें कुछ पैसा काट कपट कर तू अपने पैसे अपने पास रखती थी और वो कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है। वाह बहन आप, आज अपना इतिहास हम तेरे इस कारनामे से शुरू करेंगे, कल से अपनी एक छोटी मोटी क्लिनिक खोलेंगे, उसके बाद में अपना इतिहास शुरू कर देंगे। कुछ पैसा सीला दीदी रखे हैं और कुछ पैसा मेहनत मजदूरी नरेगा चलाएंगे हम रखे यार। कहा गया है गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है, तो जानता है, लेकिन इंसानियत जिसके अंदर है उसके पास सब कुछ है। ए बहन रब जो चाहे वही तो होना है,
ना तुम्हारे चाहने से, ना मेरे चाहने से, ना भैया के चाहने से कुछ नहीं होना है। भैया रब जो चाहे वही तो होना है आदमी से हो हाँ तनी बुलवाए दे छोटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात? ये पहले बताओ कि मेरी कमलावती महल में है कि नहीं? कमलावती तो एकदम खोल के बैठी यहाँ महल में। ये बता बे, मेरे आने से पहले उसे मेरे विषय में कुछ बोला? विषय में बहुत चर्र करें माई जी महीने। हाँ कहने अब आज हमारे आशिक के याद आ रही है। ठीक है, हम कहे कौन आशिक? कहे न नहीं जो कॉलेज में पढ़त रहे साथे हमारे वो और का। ठीक है, कहे तुरंत बुलवाए कि चलो आओ चली जाए। चलो चलते। नमस्कार कमलावती। दोस्तों, जिस वक्त में अपनी प्रेमिका कमलावती से मिलता था, कमलावती खुशियों से झूमने लगती थी। लेकिन आज बात क्या है कि कमलावती बिल्कुल उदास बैठी है। मैं इस उदासी का कारण अपनी प्रेमिका कमलावती से जरूर पूछूंगा। सर के मेरी जान और बिखरे है तेरे सर के, क्यों काले ये कमला बिखरे। उदास बैठी हो, मैं उदासी का कोई कारण बता रही हूँ। बताओ मेरी जान। अरे बताऊ जगत हाल
चले क्या है हमारा क्या बताऊं जो पर मदवा नहीं है हाँ उसके खातिर बिनदवा मुझे बहुत मारा वो हराम ज्यादा की है हिम्मत मुझे कोई ऐसा तकरीब बताओ कि पर मदवा ना रहेगा बांस ना बजेगी मेरी जान क्या है छोटी सी बात के लिए और इतनी बेचैन हो और ये नहीं जानती कि यह बाबू जगत सिंह की खोपड़ी है जा बाबू जगत सिंह हर मर्ज की दवा जानता है सुनो मेरी बात को क्या कहना चाहते हैं शहर की सीसी तुम्हें दे रहा लो जहर लो जहर की सीसी तुम्हें दे रहा खाना पानी में उसको पिला देना तुम या तुम मर जाएगा या तो पागल हुआ तुम सजा उसको तुम दी मेरी जान क्या है ये बाबू जगत सिंह की खोपड़ी है और मेरे रहते हुए तुम्हें उदासी बिल्कुल दिल में नहीं आना चाहिए इसलिए कि तुझे नाज होना चाहिए गर्व होना चाहिए कि जानी बाबू जैसे दीवाना तेरे सामने खड़ा है लीजिए ओहो इसे खाने में मिला के दे दूंगी परमदवा हराम खोर मर मर जाएगा अरे मरेगा तो ठीक है नहीं तो साला पागल हो जाएगा ए? और इधर उधर साला फटकेगा तोहरे प्यार में हम कैसे तड़पी था हो ए देखा चला जाने क्यों देख ले तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाए ये बात भी तुमने बिल्कुल सही कहा इसलिए कि मैं इस वक्त कमलावती से छुप कर मिल रहा हूं किसी की नजर पड़ गई तो कमलावती खींचा उठाल देंगे इसलिए मुझे ए राजा सुना हो हाँ हे जानू लगत के जिए नहीं देवा हो हमार इज्जत ससुरावा में लेवा नशा चढ़ल बाटे नशा चढ़ल बाटे तोहरे कपार पे काहे करा तनी Yeah.
क्या सोच रहे हो? हाँ भाई, पानी में जहर मिला देती हूँ। पानी खाना खा हरा फर पानी पिएगा, हाँ। या तो मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा। हो जाएगा। देख रहे, हाँ। बात पाई जाना था, ये बात हम जाना था। हाँ। अति सर्वा क्या बात जाने, हाँ। तो तुम्हारा खाल निकाल ले भाई। मतलब कौने स्कूल में छुट्टी हो हमका बतावत जानी। हाँ, तो कैसे अपने स्कूल में छुट्टी मान ले? हाँ, छुट्टी ना होई, ना होई, चला। छुट्टी अब सब बंद होगी, यह है जितनी सरकारी ड्यूटी छुट्टी रही है, हाँ। सिर्फ संडे छोड़ के आए, बाकी सारी छुट्टी बंद होगी। यह संडे मंडे संडे माने तो का यो न पता हो का होता है। और का एतवार जाना थी, संडे नहीं जानते हैं। और का? लेकिन लल्लू भैया, हाँ। मैं अपने कमरे में आया तो क्या देख रहा हूँ, हाँ। कि स्कूल का समय भी हो चुका है, हाँ। लेकिन आज न जाने क्या बात है, हाँ, कि मेरी माँ मेरे कमरे में खाना नहीं रखी है। तो भैया आवा चली प्रमोद भैया वाले कमरे में चला जाए। अरे लल्लू, आज भैया तुमने बहुत मेरे दिल की बात कही यार। प्रमोद भैया के बारे खाना रखे हो। चलो ठीक है, दोनों भाई प्रमोद भैया के कमरे में चलते हैं। चलो चलते हैं। लल्लू भैया, ये दुनिया वाले और समाज वाले क्या कहते हैं कि एक सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे को नहीं मानती। लेकिन लल्लू भैया, तुमने क्या देखा कि मैं अपनी माँ का सगा लड़का हूँ। मेरी माँ मेरे कमरे में खाना नहीं रखी, लेकिन मेरे बड़े भैया प्रमोद यानी कि मेरे मौसी माँ के लड़के प्रमोद के कमरे में खाना रख। अरे 10 बजे तो है, 9:30 स्कूल चले के बाद भूख तो लागी नहीं है। तो भैया ना हो खा ले भैया। चलो दोनों भाई खाना खाते हैं। नहीं हम तो ना खा भैया। काहे भरे भैया, हम आज बारात है भैया। काहे भरे आज बारात है, यही मंगवाई दे, कह दे मेला मालिक के दुचार ड्रम पानी मंगवाई दे और तोरे ऊपर अड़ोड़ दे, तू ठंडा हो जा। तू वाली बात नहीं भैया। ए भैया, मेला कमेटी के सदस्य यहाँ पर एक बाल्टी पानी मंगवा दीजिए कम से कम भैया।